अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आरएसजी गाइडर्स। मैं हूं आपकी टीचर माहीन मदत अली। जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस किया था टाइम कोड, स्टैंडर्ड डेफिनेशन, पैल, एनटीएससी, तो आज के वीडियो में हम प्रोजेक्ट विंडो के अंदर वो सब चीज़ें देखेंगे कि ये सब चीज़ें कहाँ पड़ी हुई है, हम इसको कैसे सेट कर सकते हैं, FPS कहाँ पर होता है, टाइम कोड कैसे कहाँ पर आपको मिलता है। तो आई होप आपको आज की मेरी क्लास पसंद आए। सो लेट्स स्टार्ट इट। जैसे मैंने आपको अपनी पहले वाली क्लासेस में बताया था कि प्रीमियर को ओपन करने से पहले हमें कुछ सेटिंग्स करनी पड़ती है, तो मैंने उसको उसकी पात दे दी है और टाइम कोड भी मैंने आपको बता दिया था कि क्या होता है, क्यों रखना है, आईडिया आपको मिल चुका था, तो आई प्रेफर आप टाइम कोड ही रखें। ओके, फाइनली हमारा इंटरफेस ओपन हो चुका है। यहाँ पर ये टूल बार है, इसको हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। आने वाली क्लासेस में हम इस पर डिटेल पे बात करेंगे। आज हम इस पर बात करेंगे प्रोजेक्ट विंडो के, प्रोजेक्ट विंडो होता क्या है। जैसे प्रीव्यू दिया था मैंने आपको, बट आज थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इधर हम अपनी सारी वीडियोस, सारी इमेजेस, सारे सॉन्ग्स हम इधर सेव कर सकते हैं और फिर इधर से ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम टाइमलाइन पे ला सकते हैं। आपको अपनी कोई इमेज ला के दिखा देती हूँ मैं। यहाँ पर चले, ठीक है। अब ये थोड़ी ऊपर वाली चीज़ों की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं तो फ्रेम रेट कितना है हमारा, 50 FPS। ये एक सेकंड पे इतनी इमेजेस क्लिक कर रहा है, जैसे मैंने आपको टाइम कोड बता दिया था। मीडिया कितनी देर में हमारा स्टार्ट हो रहा है, एंड हो रहा है, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको इधर मिलेगी। मीडिया की ड्यूरेशन क्या है, वीडियो को इन करने का क्या ड्यूरेशन है, वीडियो आउट कब हो रही है, वीडियो की ड्यूरेशन क्या है, और ऐसी आगे आगे बहुत सी चीज़ें आ रही है। क्लिप्स के ऊपर ड्यूरेशन का आ रहा है, फिर ये वीडियो की इन्फॉर्मेशन है कि मैं कितने HD पे, मैं फुल HD पे शूट कर रही हूँ। फिर ये ऑडियो की कुछ इन्फॉर्मेशन है, 16 bits पर है, और टेप नेम है, डिस्क्रिप्शन है, और आगे बहुत सी चीज़ें आ रही है जो आने वाली क्लासेस में हम इसको और डिस्कस करेंगे। लेकिन फ़िलहाल अगर आपको अपनी वीडियो का थोड़ा आइडिया चाहिए तो आप इधर से स्क्रॉल करके चेक कर सकते हैं। अब ये वीडियो जब हम यहाँ ओपन करेंगे और इसको इधर लाएंगे तो आपके पास एक और ऑप्शन आ जाता है, ये तीन लाइंस आ जाती है, देख रहे हैं आप। तो इसको हम बोलते हैं सीक्वेंस। ये जब तीन लाइन शो हो रही होती है मतलब आपकी सीक्वेंस यहाँ पे बन गई है। ये आइकन इमेजेस के लिए होता है और ये आइकन वीडियोस के लिए होता है। अब आपकी सीक्वेंस बन चुकी है और अब यहाँ पर आप करेंगे इस पर काम। तो यहाँ से आप इसका नेम भी चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से रख दें। ये आइकन जैसे मैंने बताया कि सीक्वेंस का है तो हमने इसको रख दिया सीक्वेंस। ये आइकन इमेज का है, इसको भी हम कर लेंगे रीनेम। यहाँ से होगा ये इमेज, सही है। अब ये तो दो से तीन पिक्चर्स आएगी, वीडियोस आएगी, इमेजेस और भी आएंगे, और भी सॉन्ग्स आएंगे, सीक्वेंस बनेगी, तो ये आपका यहाँ पर रश हो जाएगा, पूरा मैसअप हो जाएगा कि आपको मिलेगा नहीं कि भाई हमारी इमेज कहाँ है, हमारी वीडियो कहाँ है, हमारी सीक्वेंस कहाँ है। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे न्यू बिन पर, नीचे ही आपका यहाँ पर ऑप्शन आएगा। अब न्यू बिन होता क्या है, न्यू बिन बेसिकली ये होता है जिसके अंदर आप अपनी सारी वीडियोस, सारी पिक्चर्स अलग अलग बिन में सेव करते जाए, ताकि जब भी आपको वो बिन खोले तो वो एक वीडियोस का पूरा फोल्डर हो, जब दूसरा बिन ओपन हो तो वो सारी इमेजेस का हो, और फिर आगे चलते चलते सॉन्ग्स का भी होगा, सीक्वेंस का भी होगा। यहाँ से बिन को भी हम नेम देते थे, जैसे हमें देना है इसको सीक्वेंस, ठीक है। ये सीक्वेंस है हमारी, इसको हम करेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप। अब ये यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल अभी और भी आती तो ये सब नीचे शो होगा। ये यहाँ पर साइड पे कर्सर बना होगा एरो, इसको जब हम क्लिक करेंगे तो इसका जो पार्ट होगा इसके नीचे, इसके अंदर जो भी चीज़ें होगी वो सब हाइट हो जाएगी। दोबारा इस कर्सर को करेंगे तो ये पूरा नज़र आएगा आपके पास जितनी चीज़ें होगी, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सब हमारी सीक्वेंस है, ठीक है, इसको हमने करा ड्रैग एंड ड्रॉप। अब ये कुछ भी नीचे नज़र नहीं आएगा, जब आप कर्सर को क्लिक करेंगे तभी नीचे नज़र आएगा, सही है। बट इसको हम फिलहाल कंट्रोल जेड कर लेते हैं।
तो आई होप आपको इधर तक समझ में आया होगा कि बिन क्या होता है, बिन में इसको कैसे शिफ्ट करना होता है। आप इधर जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं, अपने हिसाब से कर सकते हैं। दूसरा पैनल भी इधर शो होता है कि अगर आपको इधर से देखना है, इधर से सोर्स विंडो में लाना है, अगर आपको आइकन से ज़्यादा ईजी होता है तो वो भी सही है, अगर आपको यहाँ से लाना है तो ये भी इधर से आ जाता है, ठीक है। ये वही पैनल है जिस पर मैं काम करती हूँ, मुझे बहुत ईजी होता है इस पर काम करना। आई होप आपको इधर तक समझ में आया होगा कि न्यू बिन कैसे बनाना है। इस पर अब हम बात करते हुए चलते हैं, तो मैं इसको डिटेल पे नहीं समझाऊंगी, लेकिन थोड़ा ऊपर से आपको प्रीव्यू करवा देती हूँ। जैसे मैंने आपको अपनी सेकंड क्लास में बताया था कि ये सीक्वेंस आपने कैसे बनानी है, आपका सीक्वेंस का पैनल शो हो जाता है। यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट शॉर्टकट, ऑफलाइन फाइल, एडजस्टमेंट लेयर भी हमारी बहुत काम आने वाली है कलर ग्रेडिंग के अंदर, ब्लैक वीडियो, कैप्शन, कलर मैट, ट्रांसपेरेंट वीडियो, ये सब चीज़ें हम आने वाली क्लास में एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। यहाँ पर अगर आपको कुछ सर्च करना है, फाइंड करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। आने वाली क्लासेस में हम इसको भी करेंगे डिस्कस। और ये चीज़ देखते हैं तो आपको फिर ना आपका कितना फ्रेम्स रखना है, ठीक है, आपकी क्लिप ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए, ट्रांजिशन क्या होना चाहिए, ये भी हम इधर ऑटोमेटिक जो सीक्वेंस का हम इसको सेटिंग्स बोलेंगे, ठीक है। अब इधर आते हैं टाइमलाइन के ऊपर, तो ये कुछ ट्रैक्स हमारे होते हैं जो कि मैंने आपको प्रीव्यू जब मैं दे रही थी तो मैंने आपको नहीं बताया था। अब मैं आपको बताती हूँ ये होता क्या है। ये वीडियो के ट्रैक्स होते हैं और ये ऑडियो के ट्रैक्स होते हैं, ठीक है। वीडियो के अंदर आप जितनी ट्रैक्स डालते जाएंगे, जितनी वीडियोज डालते जाएंगे, ये ट्रैक्स उतने बढ़ते जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप काम कर रहे हैं वीडियो एंड ऑडियो पर, ठीक है, मैंने इसको कट मारा, तो अब आप देख सकते हैं ये दोनों ऑडियो वीडियो में कट लग गया है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गई है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये एक दूसरे से अलग ना हो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अगर आपको और आप चाहते हैं कि ऑडियो पे कट ना आए, तो यहाँ पर एक लॉक का ऑप्शन है। अब आप यहाँ पे कट करेंगे ना, आपकी वीडियो अलग हो जाएगी लेकिन आपकी ऑडियो साथ ही रहेगी। इसी तरीके से आप वीडियो पे भी काम कर सकते हैं। यहाँ पर आते हैं, अगर आपको किसी वीडियो या ऑडियो को हाइड करना है, सॉरी वीडियो को हाइड करना है या फिर ऑडियो को म्यूट करना है, तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी ये पैनल आने वाली क्लासेस में आप एक एक करके समझेंगे, तो फिर आपको ये पूरा टाइमलाइन बहुत ईजीली समझ आ जाएगी। आई होप प्रोजेक्ट विंडो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, सोर्स विंडो में कैसे लानी है ये भी समझ में आ गया होगा, और टाइम लाइन के अंदर कैसे न्यू सीक्वेंस बनानी है ये भी समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेरीज है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगी। और यहाँ पर आने वाली आगे जो क्लासेस बनाऊँगी उसके अंदर उस चीज़ को भी डिटेल में डिस्कस करूँगी। तो जैसे कि आप लोगों ने अभी देखा कि प्रोजेक्ट विंडो में टाइम कोड कहाँ पर है, सारी चीज़ें आप लोगों को आज डिटेल में समझ ली, कि आपको आइडिया हो जाए कि आपकी वीडियो आप किस कैसे FPS होता है, क्या क्या चीज़ें आपको इसके अंदर नज़र आती है। मेरी आने वाली क्लासेस में मैं आपको टूल बार के बारे में भी समझाऊँगी और चीज़ें हम आहिस्ते आहिस्ते अपडेट करते जाएंगे। मेरी नेक्स्ट क्लास टाइमलाइन पे और सीक्वेंस पे होने वाली है कि आप कैसे उसको सेट करेंगे अपनी टाइमलाइन को प्रीमियर के अंदर। मेरी नेक्स्ट क्लास बिल्कुल मिस नहीं करना, मेरी वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और पास में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।